नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर में लगातार आत्महत्याओं के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अपने ही घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। नवविवाहिता पूजा साहू, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष की है, मानसिक बीमारी के चलते पूजा हमेशा डिप्रेशन में रहती थी, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन लगातार दवाई गोली खाने के चलते वो ठीक नहीं हो रही थी, जिसके चलते उसने जहरीला पदार्थ खा लिया और आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी है। मृतिका का नाम पूजापति संतोष साहू है, उम्र उसकी 23 साल है, ऋषि पैलेस में रहते हैं। ये लोग विदिशा के रहने वाले हैं, यहाँ पर रहकर मजदूरी कर रहे थे। वो महिला जो थी, वो उसके शादी से पहले, 5 साल हो गए इनकी शादी को, शादी से पहले उसका वो मानसिक संतुलन ठीक नहीं था उसका, जैसे कि उसके परिवार ने बताया, उसके पिता ने बताया और उसके पति ने बताया, मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वो परेशान रहती थी हमेशा। 5 साल हो गए। जॉब वॉब करती थी? नहीं, घर पे ही रहती थी। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, परेशान रहती थी हमेशा। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर सपना रोडिया है, मैं द्वारकापुरी थाने। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल।